हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इंडियन एयर फोर्स द्वारा अग्निवीर वायु रिक्रूटमेंट 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, ऑनलाइन टेस्ट के बारे में, साथ ही फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। उसके बाद आप इसके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन की। तो सबसे पहले आपका फेज वन होगा, उसके बाद फेज टू होगा, और फेज वन में जो है ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें जो साइंस सब्जेक्ट वाले हैं, जिन लोगों को साइंस सब्जेक्ट, तो उनका रिटन एग्जाम 60 मिनट का होगा, जिसमें आपसे इंग्लिश पूछी जाएगी और फिजिक्स तथा मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये क्वेश्चन जो है CBSE से बनाए जाएंगे। CBSE का जो सिलेबस है इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का 12th लेवल का, उससे क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। और जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं है, उनका रिटन एग्जाम जो है 45 मिनट का होगा, उनसे जो है इंग्लिश पूछी जाएगी 12th लेवल की, और उसके अलावा रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये इंग्लिश जो है CBSE क्लास 12th की होगी। तो अगर आप इंग्लिश की तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं, तो मैंने एक चैनल का लिंक दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाकर उसकी तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा जो लोग साइंस या फिर अदर देन साइंस, यानी कि दोनों सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, एक्चुअली ये पेपर होगा, कुछ पोस्ट जो है साइंस के लिए होंगी, कुछ बिना साइंस वालों के लिए होंगी, और कुछ में दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप दोनों के लिए भी एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे कि साइंस बैकग्राउंड के हैं और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस यानी कि अदर देन साइंस सब्जेक्ट देना चाहते हैं, तो वो भी दे सकते हैं। उसमें आपका जो है 85 मिनट का ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें इंग्लिश पूछी जाएगी, फिजिक्स और मैथमेटिक्स होगी, इसके साथ ही रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस होगा। इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स 10+2 CBSE का होगा, और इस ऑनलाइन टेस्ट में जो है एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और निगेटिव मार्किंग है, 0.25 मार्क्स जो है गलत आंसर के लिए आपके काट लिए जाएंगे। तो जब ऑनलाइन रिटन एग्जाम हो जाएगा फेज वन में, उसके बाद आपका फेज टू स्टार्ट होगा। जो लोग फेज वन में शॉर्टलिस्ट होंगे, जो लोग फेज वन में सिलेक्ट हो जाएंगे, उनके लिए फेज टू का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। इसके बाद इसमें आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, PFT। PFT में क्या करना होगा, 1.6 किलोमीटर आपको रनिंग करनी होगी 6:30 में। इसके अलावा आपको 10 पुशअप लगाने होंगे, 10 सिटअप्स लगाने होंगे और 20 स्क्वाट लगाने होंगे। इसमें यहां पर नोट दिया गया है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग देयर स्पोर्ट्स शूज एंड शॉर्ट्स ट्रैक पैंट। तो आपको जो है अपने स्पोर्ट्स शूज और ट्रैक पैंट या फिर शॉर्ट्स वगैरह खुद से लेके जाने हैं, वहां पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद जिसका फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो जाएगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास कर लिया आपने, तो आपका एडाप्टेबिलिटी टेस्ट होगा एयरफोर्स में। तो एडाप्टेबिलिटी टेस्ट दो होंगे। पहला एडाप्टेबिलिटी टेस्ट जो है, इसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट होगा। इसमें ये चेक किया जाएगा आप एयरफोर्स के लिए सुटेबल हैं कि नहीं। तो इस एडाप्टेबिलिटी टेस्ट में पास होने के बाद आपका सेकेंड एडाप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, जिसमें जो है सेकेंड अडॉप्टेबिलिटी टेस्ट में जो लोग जो है इंडियन एयरफोर्स का एनवायरमेंट अडॉप्ट कर पाएंगे, या फिर एबल टू एडजस्ट द मिलिट्री वे ऑफ लाइफ, यानी कि जो लोग मिलिट्री का जो जीने का तरीका है उसको एडजस्ट करने लायक होंगे, उन लोगों को पास किया जाएगा, वो लोग क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके बाद जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में मेडिकल बोर्डिंग सेंटर MBC द्वारा आपका जो है मेडिकल टेस्ट होगा। इसमें ब्लड, हीमोग्लोबिन, HB, TLC, DLC चेक होगा, यूरिन, REME, इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री में ब्लड शुगर, फास्टिंग और PP, सीरम कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन, इसके अलावा LFT, सीरम बेल्ग, इसके अलावा LFT, SGPT, SGOT, ये सब चेक होगा। एक्सरे होगा आपके सीने का, ECG होगा, इसके अलावा नार्कोटिक ड्रग या फिर साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अब्यूज का आपका टेस्ट होगा। इसके अलावा और भी कोई मेडिकल टेस्ट अगर जरूरी होंगे तो आपसे वो करवाए जाएंगे। तो ये थी इसकी जानकारी। अब बात करते हैं डिटेल सिलेबस की। सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश के सिलेबस की, लेकिन इससे पहले बता दें अनअकैडमी द्वारा 250 लकी पार्टिसिपेंट्स को जो है एवरेज 5,000 तक का गिफ्ट वाउचर दिया जा रहा है। अगर आप UPSC सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो अनअकैडमी द्वारा UPSC सिविल सर्विस एग्जाम GS मेगा कॉम्बैट स्टार्ट किया जा रहा है। ये एक गेमीफाइड लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 मिनट में, और ये पूरी तरह से फ्री है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और सबसे अच्छी बात आपकी ये है कि 2022 के प्रीलिम्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है 30% आपके कॉम्बैट के क्वेश्चन से सिमिलर थे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा तैयार किए जाते हैं। और UPSC 2021 के 23 जो है टॉपर जो है रेगुलर यूजर रहे हैं कॉम्बैट के। तो आप सोच सकते हैं, अगर आप UPSC की तैयारी के लिए सीरियस हैं तो आप इसको जरूर ज्वाइन। इसके अलावा T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जा रही है, जो कि पूरी तरह से फ्री है UPSC वालों के लिए।
प्रशांत धवन द्वारा इस टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जाएगी। 20 क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 30 मिनट में आपको इसको सॉल्व करना होगा। लैंग्वेज जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। मंडे से फ्राइडे शाम को 7:30 बजे टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है। इसमें फर्स्ट रैंकर को 1,000 रुपए गिफ्ट वाउचर, सेकंड रैंकर को 500 रुपए गिफ्ट वाउचर और थर्ड रैंकर को 250 रुपए अमेजन गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। इसके अलावा पैथफाइंडर करंट अफेयर टेस्ट सीरीज चलाई जा रही, ये भी पूरी तरह से फ्री है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए। ये टेस्ट सीरीज डॉक्टर महिमपाल राठौर द्वारा स्टार्ट की जा रही है, जिसमें 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। लैंग्वेज आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। हर शनिवार को आपका ये टेस्ट शाम को 5 बजे होता है। रैंक अगर आपकी फर्स्ट है तो आपको 1,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। रैंक अगर आपकी सेकेंड है तो आपको जो है 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। और अगर आपकी रैंक जो है थर्ड आती है तो आपको 250 रुपए का गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, आप फ्री में अच्छी तैयारी भी कर सकते हैं। इसके अलावा 5,000 तक के गिफ्ट वाउचर भी जीत सकते हैं। इसमें आप जो है मैकबुक एयर, आईपैड, सैमसंग मोबाइल या फिर अमेजन वाउचर जीत सकते हैं। तो इंग्लिश की बात करें तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा। इसके अलावा कंपोजिशन, ग्रामर, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, जिसमें डिग्री ऑफ कंपोजिशन, इसके अलावा कंजक्शन, नाउन एंड प्रोनाउन तथा नंबर, नाउन एंड प्रोनाउन और नंबर्स, जिसमें सिंगुलर प्लूरल, इसके अलावा वर्ड्स, वर्ड ऑर्डर, करेक्ट यूज ऑफ एडवर्ब के बारे में पूछा जाएगा। ईडियम और फ्रेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस यानी कि नरेशन चेंज, एक्टिव एंड पैसिव वाइज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पर अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनामिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ऑस्किलेशन एंड वेव, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ऑप्टिक्स के बारे में पूछा जाएगा। डुअल नेचर ऑफ मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही अगर मैथमेटिक्स की बात करें, सेट एंड रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सारा सिलेबस आपका जो सीबीएसई 12th के लेवल का होगा, आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बायनोमियल थ्योरम, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, एक्सपोनेंशियल सीरीज, लॉगरिथम, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स तथा डिटरमिनेंट्स और लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, साथ ही एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इनडेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेटिव इंटीग्रल, साथ ही एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैटिक्स, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। रीजनिंग की बात करें तो इसमें नंबर सीरीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट, असाइन आर्टिफिशियल वैल्यू ऑफ मैथमेटिकल डिजिट, इंसर्टिंग करेक्ट मैथमेटिकल डिजिट, ह्यूमन रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, म्यूचुअल रिलेशन प्रॉब्लम, साथ ही टालेस्ट यंगेस्ट रिलेशन, डिक्शनरी वर्ड, एनालॉजी, नॉन वर्बल रीजनिंग, नंबर कोडिंग और नंबर पजल के बारे में पूछा जाएगा। तो मैंने इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उस लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। और इसके साथ ही इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।